हेलो, नमस्कार सर, हम की तरफ से बोल रहे थे। आपने अपना नंबर यहाँ पर पोर्टिंग के लिए डाला था सर। हाँ जी बिल्कुल डाला था। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ सिस्टम में, आप तकरीबन 13 सालों से हमारी सर्विसेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। अचानक से ऐसा क्या हो गया सर कि नंबर पोर्ट करना चाह रहे हैं आप? तुम्हारा नेट देखा कितना नेट है, बिल्कुल काम नहीं करता। क्या नहीं बोल रहे सर, हमारा इंटरनेट तो सबसे फास्ट है सर। 9/11 का हमला जो है वो हम लोग 6/11 को ही दिखा देते हैं। मत करो। आप ऑफिस जाते हैं, उसके बाद में कॉफी पीते हैं, बाथरूम जाते हैं, फेसबुक करते हैं, आप भी तो 8-9 घंटे में 1 घंटे ही काम कर रहे हैं, तो हमारा इंटरनेट सर थोड़ा धीरे काम कर रहा है ना। सर मेरा नाम मृत्युंजय है, हीरो मत बुलाइए सर। तो मुझे बताएगा कि मुझे काम करना है कि नहीं करना है? नहीं सर, मैं आपको जमीनी हकीकत बताने की कोशिश कर रहा ताकि आप उनसे रूबरू हो सके। ये प्रोफेशनल कॉल है सर, इसे प्रोफेशनल तरीके से ही डील की जाएगी सर। कृपया करके आप शब्दों का इस्तेमाल ना करें सर। आप नेट चलता नहीं है। अच्छा सर, हम आपको 5 GB फ्री दे देंगे हमारी तरफ से। और क्या प्रॉब्लम है आपको? आदमी क्यों रखता है नेटवर्क, उससे बात ही नहीं हो पाएगी तो वो क्यों रखेगा सर? आप बात नहीं हो पाएगी सर। सर आप फोन में चार्ज रखा करें, बैटरी चार्ज करके रखे। इतनी अकल हमको है, हमारे नेटवर्क संभालो अपना। जब देखो फोन कट जाता है। आप भी तो वही कर रहे हैं अपनी लाइफ में। आप जब अपने दोस्त किसी लड़की को पटा रहे होते हैं, उसके बीच में घुस करके उस लड़के का पत्ता काट देते हैं, तो वो भी एक तरह काटना हुआ ना सर। मत कर मेरे से। सर ये प्रोफेशनल कॉल है, कृपया आप शब्दों का इस्तेमाल ना करें। जो मेरी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करो। ये प्रॉब्लम में हम अपनी तरफ से सुलझाने की कोशिश करेंगे, जमीनी हकीकत हम जानने की कोशिश कर रहे हैं आपसे। और क्या आपको तकलीफात आ रही है, अगर आप हमें बताने की कोशिश करें। तकलीफ से तकलीफ बता रहा हूँ तुम लोग। इरशाद, तकलीफ कम नहीं है तुम्हारे लिए? एक दिक्कत तो सुलझाओ। और रात को ये जैसे मैसेज भेजते हो, मोनिका बात करना चाहती है, अपनी रातें रंगीन कीजिए, अकेले हैं तो बातें कीजिए, ये काम करने के लिए बैठे क्या हम? आप जब रात रात भर ऐसे अननोन लड़कियों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते? मैं किसी को भी भेजू सर। एक बात आपको बता दूं सर, ये प्रोफेशनल कॉल है, इसे प्रोफेशनल तरीके से ही डील किया जाएगा। कृपया आप शब्दों का इस्तेमाल ना करें। प्रोफेशनल इतने होते तो अपने सर्विस संभाल लेते, समझ में आ रहा है? देखिए हम आपकी सारी बातों को बर्दाश्त कर रहे हैं, हम आपका नंबर पोर्ट नहीं होने देंगे। तोड़ के फेंक दूंगा। तो सर आपका तो पोस्टपेड है सर, आप तोड़ के फेंक देना, हम आपको बिल भेजते रहेंगे हर महीना। अगर आप नहीं पेमेंट करेंगे तो आप पे पुलिस केस होगी। सर ये प्रोफेशनल कॉल है, इसे प्रोफेशनल तरीके से ही डील किया जाएगा। तुम्हारा प्रोफेशनलिज्म ये गया सिम पानी में। फोन पे बात कैसे कर रहे हैं? तो बता दिया तुम्हें, अब तो हमारे क्या दिखा सकते वो बताओ। हम बस आपको इतना बता सकते कि मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से आपका मुर्गा बनाया जा रहा था। यार ये प्रोफेशनल कॉल है सर, इसलिए हमने प्रोफेशनली ही डील किया सर। दिमाग खराब कर रखा है तुम लोग, मजे ले रहे हैं। हेलो जी बेटा, आपने अपने प्रोफाइल दे रखी है मैट्रिमोनी में? हाँ जी। हमने देखा बेटा, हमें बहुत पसंद आया। थैंक यू अंकल। ऐसा है कि देखिए, हमारी उम्र तकरीबन 65-67 साल है। अच्छा। और हमें हारमोनियम बजाना आता है और भजन तो बहुत अच्छे गाते हैं। बोलना क्या चाहते हैं? बोलना क्या, जगह हाजिर है। अनूप जलोटा जी इस उम्र में कर सकते तो हम क्यों नहीं? ओह माय गॉड, आई तो थॉट कि यू नो आप अपने बेटे के लिए। बेटा इतना अंग्रेजी नहीं, बेटा हिंदी में ही बात कर लो हमसे थोड़ा सा। संस्कारी लड़की हो तुम बेटा, शकल से तो वही लग रहा था। पापा से भी बड़े हैं, मैं आपकी पोती क्यों? ऐसे लागे लगन तुम हो जाओगी मगन। ओ माय गॉड, तुम तो गली गली घूमोगी, मेरा नाम लेते बोली हाय बुड्ढा हाय बुड्ढा हाय बुड्ढा। डोंट डू ऑल दीस थिंग्स। हेलो जी, मैं जावेद अख्तर बोल रहा था। हाय हाय सर। जी हमारे एक मित्र ने आपको थोड़ी देर पहले फोन किया था। मित्र? जी वो आपसे शादी करना चाहते थे और आपको बता रहे थे वो भजन भी बहुत अच्छा गाते हैं। टाइम 25 जी बेटा, आपने सुना ही होगा, संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं कि चिट्ठी आती है। सॉरी मैं बह गया था बेटा, शादी की बात करनी थी। उम्र हो गई लेकिन इमारत मजबूत है। बोलना क्या चाहते हैं? I mean, I'm so younger to him and he's calling me up और बोल रहे हैं कि मैं आपके लिए एकदम फिट। न उम्र की सीमा हो न रिश्तों का बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल धन। बहुत बहुत पैसे हैं उनके पास। मैं आपको बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ आपका बहुत। जी बेटा देखो, जिंदगी है तो फासले हैं, लेकिन फासले है तो जिंदगी है। और आगे लिखा था कि लिखो कब आओगे कि घर कब आओगे। आप मजाक मत कीजिए, और इस तरह की कॉल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने डाला था अपना प्रोफाइल एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड, मेरे पापा मम्मी दे आर लुकिंग फॉर अ मैच, बट आई डोंट नो ही इज आल्सो लुकिंग फॉरवर्ड। बुजुर्ग आदमी लोग इस तरह से कॉल करेंगे तो अजीब लगता है सर। आई एम रियली सॉरी, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। और आइंदा अगर उस आदमी से कॉल आया तो आई विल बी फोर्स टू गो टू द पुलिस। आई मीन इस तरह के आदमी मैंने तो देखा ही नहीं अपनी जिंदगी में। आप हमारे मित्र की तौहीन कर रहे हैं, आप उन्हें
गंदी कह रही है, ये गुनाह है, पाप है। मुझे लगता है यहाँ पे कोई प्रैंक कॉल कर रहा है, अपना वॉइस चेंज हो रहा है, एंड यू नो इट इज साउंडिंग वेरी डिफरेंट। इसका मतलब पहले आप जो जावेद अख्तर बनके बात कर रहे थे, दैट इज कम्प्लीटली अ फ्रॉड। आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड। बहुत बोलती है तुम, बुढ़ा आदमी। डोंट कॉल मी अप एंड डोंट इरिटेट मी, ओके? ओ हो मोहतरमा, ये क्या कह रही है? दोबारा फोन कर, क्या प्रॉब्लम, क्या है आपकी? ये प्रॉब्लम नहीं है, ये बस तुम्हें बताना चाहते थे हम कि ये हम रेड एफएम से बोल रहे थे और आपके साथ हम गंदा मजाक कर रहे थे। फैन ऑफ योर्स एंड बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। क्या बोल रहे हो? बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। ओ ये आउट ऑफ द बॉक्स था मैं, थैंक यू। हेलो सागर जी, आपने कॉल किया था कुछ पॉलिसी वगैरह के बारे में बताने के लिए। सर अगर आप टाइम दे देना तो मैं पर्सनली विजिट करके आपको सारी। सागर दैट इज नॉट पॉसिबल राइट नाउ। आपको 7,000 पर मंथ के हिसाब से पैसे पे करने होंगे और जिसमें आपको रिटायरमेंट के बाद 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। इसमें टैक्स बेनिफिट है क्या? मैं आपको उसको मेल कर देता हूँ, अगर आप मेल आईडी दे देंगे तो आपको सारी चीजें मिल जाएंगे। क्या ये पॉलिसी में अपनी वाइफ के लिए एंड अपने बच्चों के लिए और अपने साले के लिए ऐसे कर सकते हैं? हाँ हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सबके लिए कर सकते हैं। इट्स अ जॉइंट फैमिली, सो 20 मेंबर्स की फैमिली है। नहीं सर, तब तो और फायदेमंद रहेगा, बिकॉज हर किसी का अगर हो जाएगा तो हर किसी के लिए होता है ना। ठीक है सागर, रखता हूँ मैं अभी। हेलो, मैंने कहा सागर रखता हूँ फोन अभी। लेकिन सर क्यों? रखता हूँ मतलब रखता हूँ, टाइम नहीं मेरे पास में अभी आपसे बात करने की। नहीं सर, अभी तो आपने बोला कि टाइम है, मैंने बोला कि पर्सनली विजिट करके आपसे बात कर लेंगे। हमारी भुआ का लड़का है, वो भी इसी सेक्टर में है, उनसे अगर मैं पॉलिसी करवाऊंगा ना तो कमीशन के जो रुपए कुछ आपको मिलते हैं वो शायद हमें हमारे भुआ के लड़के से मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ बैठा हूँ जो आपको समझा रहा हूँ चीजें, आपको बता रहा हूँ चीजें, एक चीजें बताने के बाद आपके कमीशन के पैसे आ जाएंगे। ये तो बहुत वाली बात हुई यार, काटने के लिए बैठे हैं। आपने कहा 7,000 रुपीज पर मंथ एंड रिटायरमेंट पे 1 करोड़ रुपए। बिल्कुल, तो मैं कहता हूँ ना कि आपके बैंक को मेरी तरफ से ये ऑफर आप दीजिए कि 1 करोड़ रुपए मुझे पहले दे दे और मैं महीने का 7,000 रुपए आपको देते जाऊँ। अच्छा, दुनिया को बैंक ऑफर देती है, आप बैंक को ऑफर दोगे? भाई ऐसे नहीं होता ना, आपको करना नहीं है तो आप बहाने बना लो। नहीं बहाने क्या बना रहा हूँ, देखिए मैं तो आपको लॉजिकली बता रहा हूँ। तो आप मेरे घर का एड्रेस ले लीजिए, आ जाइएगा एक बार मिलने के लिए, तो हम 1 करोड़ रुपए का चेक तैयार करके लाइएगा आप बैंक से, और 20 मेंबर है तो 20 करोड़ रुपए। ठीक है, सर बस 1 मिनट। जी मैं होल्ड पे हूँ सर, एक मिनट मैं बाहर निकल रहा हूँ। अच्छा, मैं मेरी शक्ल पे लगा है, मैं सुबह से किसी शक्ल देख के उठा था कि आप मुझे मतलब बना रहे हो यार। एक बात, शक्ल तो आपकी देखी नहीं है ना मैंने, ठीक है तुम लग रहे हो ना एक नंबर के लग रहे हो वाली बातें कर रहे हो। मैं पागल बैठा हूँ सुबह से, मतलब मेरी पॉलिसी, मुझे ये पॉलिसी दिखाओगे तो मतलब दुनिया को मैं कराता हूँ, तुम मुझे। राइट मिस्टर सागर, जी बताएं। दिस इज मिस्टर प्रशांत चौबे, क्वालिटी कंट्रोलर ऑफ योर कंपनी। ये कॉल हमने जानबूझ करके किया था टू फिगर आउट कि आप कस्टमर से कैसे बात करते हैं। सर मैं तो कस्टमर से सर अच्छे से ही बात कर रहा था सर, मतलब वो आपने पॉलिसी वगैरह के बारे में बात की तो। नो नो वेट, कस्टमर कुछ भी कह सकता है, लेकिन आप इस तरह से गाली कैसे दे रहे कस्टमर को? सुबह से मेरा टारगेट था बहुत सारा, तो अब उसी में उलझा हुआ था सर। टारगेट डज नॉट मीन दैट यू विल एंड अप अब्यूजिंग समवन। आप एक काम कीजिए, अपना रेजिग्नेशन मेल टाइप कीजिए एंड सेंड इट टू अस। सर सर सॉरी सर, सर एक्चुअली सर मैं बहुत परेशान था सर, ऐसा कुछ नहीं सर। नो नो, द वन हु वाज टॉकिंग मेड सेंस कि करोड़ रुपए बैंक पहले देते, वो 7,000 रुपए महीने देते रहेगा। यार ऐसे हजारों कस्टमर आपको मिलेंगे, बट यू कैन नॉट बिहेव लाइक दिस। सर मेरी बात, प्लीज राइट योर रेजिग्नेशन मेल एंड सेंड इट टू अस। सर घर में बहुत प्रॉब्लम है सर, पापा की तबीयत नहीं चाहिए, बीवी प्रेगनेंट है सर, बहुत प्रॉब्लम है सर, ऐसे कैसे कर सकता हूँ? नहीं बट यू अब्यूज्ड। नहीं सर मैंने अब्यूज नहीं किया, बिकॉज वो आई हैव द फुल रिकॉर्डिंग। यार सर मैं मानता हूँ, बट सर चल भाई इतना लोड मत ले, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से द्वारा मुर्गा बना रहे। भाई तुमको 20 करोड़ का बिजनेस दिया। हेलो जी, मैं विजेंद्र जी से बात कर रहा हूँ। हाँ जी, बात कर रहे हैं कौन? सर हम से बोल रहे थे, आपने एक मोबाइल फोन के कवर का ऑर्डर किया था। हाँ अरे यार, अभी तक वो नहीं आया, हमने कितने दिन हो गए हमने जो है ऑर्डर कर रखा है अपना मोबाइल का कवर। माइंड योर लैंग्वेज सर। है सर, माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर लैंग्वेज। अरे भाषा का दिमाग, अरे हमको ज्यादा कानून ना समझे, ये बताओ कि कब आएगा वो। सर ऐसा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी और का वो मर्जर हो रहा है ना सर। तो वो जो सर उस मर्जर में थोड़ा वक्त लग रहा है, इसलिए आपका ये आपको ये दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। सो व्हाट आई विल डू सर, आई विल ट्रांसफर योर कॉल टू द कस्टमर केयर डिपार्टमेंट। अरे यार तुम क्या कर रहे थे मेरी इतनी देर से, नहीं हो क्या, बात कराओ कौन है? मैं मैनेजर हूँ सर। इंतजार कर रहे हैं सर, आप ऐसे गाली गलौज ना दे सर, मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ सर। Good morning, gentlemen. What's your problem? Aye? I said, good morning, gentlemen. What's your problem? अरे good morning, सब ठीक है। वो बताओ कि हमने वो मोबाइल का कवर मंगाया था, कब आएगा वो? I didn't catch your problem. अरे कैच मत कर लो,
कवर ऑर्डर करे थे, 3 हफ्ता हो गया है, अभी तक नहीं आया है। Is there anything that I can help you with? अरे यार इतनी इंग्लिश, हमको मोबाइल कवर इंग्लिश मंगाए, वहाँ से आई नहीं अभी। मोबाइल कवर क्या? मोबाइल कवर मंगाए थे 2-3 हफ्ता हो गया, अभी तक आया नहीं है। जहाज अभी तक आया नहीं है? अरे 1 रुपए नहीं आया मोबाइल यार अभी तक। तुम लोग I'm not getting you. अरे जगदर, तुमको हिंदी आती है कि नहीं आती है? इंग्लिश पढ़े हो? हिंदी, my mother tongue English. हिंदी में बोलो। We'll transfer your call to the Hindi department. अबे हंस रहे हो क्या? बैकग्राउंड में आदमी। जी नमस्कार, हम से वार्तालाप कर रहे हैं। ये नमस्कार क्या बुआ? ये बताओ कि मोबाइल का कवर कब आएगा? ये का हिंदी कक्ष है, शुद्ध हिंदी में हमारी बात समझ लो। 3 हफ्ता पहले हमने मोबाइल का कवर मंगाया था, अभी तक आया नहीं है मोबाइल का कवर। ये बनाने के लिए बैठी है आपकी कंपनी भाई साहब? हमने निरीक्षण करवाया था, जिस यूनिट से आपका यह सामान आने वाला था वहाँ पर कुछ त्रुटियाँ हैं, जिस कारण आपके कार्य के निवारण में विलम्ब हो रहा है। नहीं नहीं, त्रुटियाँ नहीं है, आप पूरे टोटल। हमें भी बेहद मजे का अनुभव हो रहा है। अरे यार फर्जी आदमी कहाँ से बोल दो बे। तो ये फर्जी आदमी रेड एफएम 93.5 से, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, और आपका मुर्गा बनाया जा रहा था भाई साहब। अरे अभी तक हम सुनते थे आज अपनी। हेलो, शाबाज बोल रहे हैं। शाबाज आप कौन? इंडिया के ओलंपिक फेडरेशन से बात कर रहे थे। अच्छा, ये क्या है, पहली बार सुना क्या? क्या बोले आप? हमने देखा आपकी मतलब बॉडी आपकी एकदम कड़क है। अरे वो तो ऊपर वाले ने मतलब आपको लुक्स दिया है। अरे भाई छोड़ हम चाहते हैं कि आप लॉन्ग जंप में भाग ले, आप भारत को रिप्रेजेंट करेंगे। भारत को रिप्रेजेंट? हाँ, अटलांटिका में ओलंपिक्स हो रहे हैं, तो फॉरेन जाना होगा। हाँ जी, फॉरेन जाना होगा। आपके उसमें पासपोर्ट है? हाँ, पासपोर्ट है मेरे पास। नहीं नहीं, हम पासपोर्ट साइज फोटो की बात नहीं कर रहे, पासपोर्ट मतलब जो वीजा वाला पासपोर्ट होता है ना वो। हाँ, पासपोर्ट बनवाया है मैंने। अच्छा बनवाया, तो कहाँ कहाँ गए आप? वैसे तो कहीं जा पाया नहीं हूँ। आप बहुत मजाकिया हैं लेकिन कसम से बता रहे हैं। अब आप भाती से बोल दिए तब तो हम लोग आपको 1 सप्ताह की ट्रेनिंग देंगे। 1 हफ्ता की ट्रेनिंग में हम लॉन्ग जंप कर लेंगे तो? माशाल्लाह, हमने आपको जो देखा है करते हुए, हमें लगता है कि आप मतलब बुलंदियों को छुएंगे। आपने मुझे कब देखा? हमने आपको देखा है वो पार्क सर्कस पास में रेलिंग वेलिंग है ना। हाँ, उधर ही से मैं रहता हूँ। हाँ, तो हमने अक्सर आपको देखा, वो रेलिंग आप टपक करके रोड पार कर लेते हैं। बहुत कमी ना है। नहीं जी, हम ओलंपिक फेडरेशन से बोल रहे हैं, हम आपका कोई दोस्त शकील नहीं बोल रहे हैं। अबे बेटा बहुत मार खाएगा थे। भारत जो है वो इस वक्त बड़े शकीलों की घड़ी से गुजर रहा है, सॉरी मुश्किलों की घड़ी से गुजर रहा है, और आपके मुल्क को जरूरत है। चुप रहेगा बेटे, बहुत बात कर रहे थे, मिलना शाम में, चाय पीने क्या फिर की ले रहा है? अरे लॉन्ग जंप करेंगे आप भारत की तरफ से, क्या चाय वाय पीने? चाय वाय आज से बंद आपकी, अब ज्यादा हो रहा है तुम्हारा। ये जो रोज तुम मिलने जाते हो सकीना से, सकीना है वो नाम, सही से ले अब से सकीना से मिलना बंद आपका। तू बंद करेगा मेरा मिलना? मैं नहीं बंद कराऊंगा। देखिए आप ओलंपिक में जाएंगे, भारत को रिप्रेजेंट करेंगे, हम फोन में घुस के मार देंगे, हम आखिरी बात समझा दे रहे, जो भी इज्जत से फोन तक निकल यहाँ से, हम आपको घर से उठवा लेंगे। जानता किससे बात कर रहे थे? घुस पाक सकस में, घुस उधर। घुसेंगे और उठा के ले भी जाएंगे। ये नाम बता अपना हमारे, एड्रेस दे, कहूँ हाँ, वो टायर फटा है, चेंज कर, टायर फटा है, चेंज कर। बटलिंग माजी नहीं, नहीं तो TMT बार कंपनी भी अप्रोच किया, वो आपको स्पॉन्सर करेगा, कहे कि आप जो है लोहे का रॉड ऐसे पकड़ के रास्ता में दोनों फाक कर दिए हैं, और फाक के बीच में से भी निकल जाते हैं आप। ये बहुत कुछ जानता है मेरे बारे में, आप इज्जत से बता दे है कौन से। तो हम फॉर्म भेज दे आपके घर पे, हम डंडा लेके मारेंगे देखो, हम सकीना को उठा लेंगे, बता दे रहे हैं। बहुत सारा मन आया ना, छूट पे देखा सकीना को, और सकीना नहीं सकीना है, सकीना समझा, सकीना तेरी बहुत मार खाने वाला, हमसे कोई अंदाजा नहीं है किससे बात कर रहा है, कोई आइडिया नहीं, असल तेरी मिलना है तो हमारी ऑफिस आ जाओ, रेड एफएम 93.5 पर, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, आपका मुर्गा बना। भाई आप भी बना भाई, लेकिन कैसे कर लेते हो मतलब ऐसे रेलिंग उलिंग टप्पा खा करके पार कर जाते हो भाई? हाँ वो बड़ा टैलेंट है, सब समय नहीं होता, मिलो कभी अच्छे से बताते हैं कैसे।
हेलो हार्दिक जी से बात हो रही है। हाँ जी बोलिए। हाँ जी, आपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई करा था। हाँ। जो देख करके लग रहा है आपका अभी पासपोर्ट, आई डोंट थिंक ये सैंक्शन हो पाएगा। सर जी क्या गलती हुई उसमें? गलती आपकी मार्कशीट जो आपने साथ में जमा करी है ना सर, उसमें है। सो मार्कशीट में क्या वेरिफिकेशन गलती आया, क्या हुआ? मैथ्स के जो मार्क्स थे उसमें कंपार्टमेंटल लगा हुआ है। तो ऐसा क्या पासपोर्ट नहीं, पासपोर्ट ऐसा क्या कि फॉरेन कंट्रीज के लिए बनवाया जाता है कि अगर आपको फॉरेन जाना है, फॉरेन की करेंसी को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करने में और इंडिया की करेंसी को फॉरेन की करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए मैथ्स की जरूरत होती है। आप वहां जाएंगे तो हमारी बेइज्जती होगी। बचपन की मार्कशीट थी, अभी तो हम कारोबार करते हैं। देखिए एक तरीका है, हमारे यहाँ पर पासपोर्ट में अभी एक नया ऑप्शन आया, जाहिल पासपोर्ट। ये क्या बकवास कर रहे हो आप? बहस करनी है तो आप बहस ही कर लीजिए, आपका पासपोर्ट नहीं बनेगा। ये क्या तरीका हुआ तुम्हारा? हिस्ट्री आपकी इतनी खराब है। मार्कशीट में मार्क्स मत देखो तुम। भारत के इतिहास के बारे में आपको बहुत मालूम है? अरे तुम्हारे बचपन का कक्षा देख के ये बता देंगे तुम्हारे क्या है? आप मुझे ये बताइए, दांडी मार्च के बारे में जानते हैं आप? अरे हाँ जानते हैं, गांधी जी ने निकाली। तो ये बताइए दांडी मार्च में गांधी जी के तीन रो पीछे लेफ्ट में कौन खड़ा था? तुमको मालूम है गांधी जी ने उस दिन कौन से कलर के कपड़े पहने थे? सादे। मालूम है हमें, मालूम है उस दिन गांधी जी ने क्या समोसे या क्या चाट पूरी खा के नाश्ता करके निकले थे? क्या बोले आपने अभी तक अंग्रेजी का एक शब्द इस्तेमाल नहीं करा है, तो हम अज्यूम कर ही लेते कि आपकी इंग्लिश खराब है। व्हाट डू यू थिंक ऑफ योरसेल्फ? आई एम अ पासपोर्ट ऑफिसर। तो ये ऐसा इंटरव्यू साला आज तक कभी किसी ने लिया नहीं है। तो पासपोर्ट भी आपका बनेगा नहीं, इस बात को लेके जाएंगे। ज्योग्राफी आपकी इतनी खराब है। आप मुझे एक बात बताइए, आप जहाँ पर खड़े हैं उस जगह का लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड क्या है? भाई भाई पासपोर्ट से इन सब चीजों का क्या लेना देना? आप रशिया घूमने के लिए गए हैं, आपको वहाँ के ज्योग्राफिकल कंडीशन, ज्योग्राफिकल नेचर के बारे में कुछ मालूम नहीं है। आप अगर कहीं खो गए तो इस हिसाब से तुम लोग नेताओं के पासपोर्ट क्यों बनाते हैं और क्यों जाते हैं वो लोग बाहर? वो तो हमसे ज्यादा जाहिल है। नहीं वो पैसे देते हैं ना हमें। तो मैं भी तो दे रहा हूँ, अलग से पैसे देते हैं। कितना राइट चाहिए सर को? मुझे बस एक चीज बता दीजिए, ऐसे ग्लोब घुमा करके छोड़ेंगे और आपकी उंगली ऐसे रखवाएंगे जहाँ कहीं भी रुक गया, आप बता पाएंगे? करूंगा तेरी में। तुम क्या, तुम कहीं का भी ऑफिसर हो? दांडी मार्च में जी के छत्तीस में कौन था? मैं पासपोर्ट ऑफिस खुल जाऊंगा, मैं देखता हूँ कौन। सर वो जाहिल वाला दे दे क्या? जाहिल गवार वाला जो पासपोर्ट है, पीली रंग का ले लीजिए। तेरा बाप, मैं देखता हूँ तू कैसे बनाता मेरा पासपोर्ट। तू है कौन? जी आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से, और हम आपका जाहिल पासपोर्ट बनवा रहे थे। अरे अरे भाई क्या कर दिया तुमने? दांडी मार्च में गांधी जी के तीन। हेलो इधरुश जी, मेरा नाम खुर्रम है। सिमी को जानते ही होंगे? जानता हूँ। सिमी ने मुझे बोला कि आपको कॉल करके मैं इत्तला कर दूं कि हम दोनों का निकाह हो रहा है। क्या बकवास कर रहे हो भाई, कौन बोल रहा है यार? मैं खुर्रम खान बोल रहा हूँ, उनका होने वाला पति। अरे क्या बकवास यार, कल तो मुझसे मिली है वो। मुझे मालूम है कि वो आप दोनों बैठे थे, आप दोनों के ठीक पीछे ही मैं बैठा था, वो अपने हालात जो है वो बयां नहीं कर सकी। क्या बकवास कर रहे हो तुम यार, वो मेरे से नहीं बोल पाई। आप है ही ऐसे, आपकी शक्ल देखिए, आपकी शक्ल देख करके बच्चों को डर लग जाता है। कोई शक्ल पसंद है उसको? अब आपके और सिमी के बीच में कोई संपर्क नहीं हो सकता। तुम कौन हो बोलने वाले? अरे हमारा निकाह हो रहा है उनके साथ में, आप सिमी को कॉल करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, आपको जो करना कर लीजिए, आप सिमी को कॉल करके पूछ लीजिएगा। हेलो इदरीस भाई, मिल गई आपको शांति? अरे तू कौन बोल रहा है, आधे घंटे से मैं ट्राई कर रहा हूँ, सिमी को फोन नहीं उठा रही है, क्या चल रहा है यार? मैंने मना कर दिया था, मैंने बोला कि ऐसे चमन चार रहे इंसान का फोन उठाने की कोई जरूरत। आप जब बोल रहे थे उसमें तो रस्ट पक रहा था इज्जत का, है ना? तो है, लड़की पटाने के तरीके आपको नहीं आते हैं, ऐसे रास्ते दिखाते बीच में हाथ दिखा करके कि अरे रुको 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 टैक्सी, और टैक्सी वाला 20 रुपए ज्यादा मांग लेता है, तो आप बोलते हैं थोड़ा पैदल चलते हैं ना। अरे सिमी के पैर कमजोर हो गए हैं पैदल चलते चलते आपके साथ, तुझे कौन सूख बता गई है? अरे हम तो उनके साथ हम भी हो रहे हैं ना। क्या बकवास कर रहा है, तेरे गला दबा दूंगा, बता रहा हूं साले, फांस दूंगा तेरे जिंदगी। हमें ऐसे गुण है ना, सिमी हमारी तरफ आकर्षित हो गई। अबे ऐसा क्या है तुझमें, क्या है ऐसा तुझमें? हमारी जुल्फें उर्दू में जो उनको सुना आए हैं वो सुन करके हम पर फिदा हो गए जनाब। क्या सुना जी तूने ऐसा? कैफियत की रवानियत की जुलूलियत की जहानियत से रूबरू चिलमन हुस्न के उस पार के इस पार रवायत है। क्या बोल रहा है तू? इसका मतलब है कि आप और आपका कट गया है और अब हमारी और सिमी का निकाह पढ़ा जाएगा बहुत जल्द। एड्रेस बता दीजिए, जरा कार्ड भिजवा देंगे। कौन है? भाईजान भाभी का फोन है। हाँ दो भाभी को फोन दो। हाँ सिमी। अरे हाँ, बड़ा किस्म का इंसान है यार तेरा वो एक्स बॉयफ्रेंड, आज रात को आऊंगा बीबी, हाँ वी विल बी टुगेदर। सर्दी भी तो बहुत पड़ रही है ना, अभी 9 डिग्री हो गए टेम्परेचर। आज मैं और सिमी जा रहे हैं जरा विक्टोरिया घूमने के लिए, मैं भी आता हूँ वापस। सिमी तो हमारी गाड़ी में दुल्हन बन करके आएगी शादी के जोड़े में। इसका निकाह मेरे साथ ही पढ़ा जाएगा और तुम जैसे छुआले लूट रहे होगे मेरी बारात में, याद रखना। काजी तो हमारा ही आएगा। कौन दांत पीट रहा है पीछे? छोटा साला है हमारा, सिमी का भाई। हाँ सिमी ने इसको इस चीज में भी धोखे में रखा, सिमी तो बहुत मन निकली।
हमारे दूल्हे भाई तुम यार, तुम बीवी को गाली दे रहे हो यार। नौशे मियां है हमारे। इसने मान लिया कि आप होने वाली बीवी को गाली। अबे भाई सिमी से मेरी शादी नहीं हो रही, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से। सिमी तुम्हारी है, तुम्हारी रहेगी। सिमी ने ही बोला था इसलिए सिमी ने तुम्हारा फोन नहीं उठाया पिछले आधे घंटे में। शुक्र है भाई, शुक्र है। मुझे पता नहीं क्या हो गया यार। ऑफिस में लेट आना, जल्दी चले जाना, अपनी एचआर को बिल्कुल हल्के में लेना, ये कुछ खूबियां हैं वसंत जी की। इन्हें कड़कपन चाहिए एक एचआर में। अच्छा थोड़ा सा हम दे देते हैं, बजाओ इनका बैंड। हेलो, हाँ जी ये वसंत जी बात कर रहे हैं। कौन? मैं बिल्लू हलवाई से बोल रहा हूँ भाई। ये क्या ड्रामा लगा रखे आजकल, इन टाइम आउट टाइम का, आप लेट आ रहे हो जल्दी जा रहे हो, क्या बात है आजकल? वो हलवाई कटिया गया क्या थोड़ा भाई, किसको फोन कर रहा है? भाई वसंत बात कर रहे हो? हाँ भाई। सॉफ्टवेयर में काम करते हो? हाँ भाई। हाँ तो फिर क्या बात है आजकल, लेट क्यों हो रहा है कार्ड पंच आपका? अरे तो भाई तू कौन होता है मेरे से पूछने वाला? एक सेकंड रुकिए जरा, यार 10 समोसे तलने के लिए लगा दे भाई बेटे। हाँ हाँ बताओ भाई, मैं कौन होता हूँ आपसे पूछने वाला? हलवाई है साले, समोसे तल। अच्छा तो आपके यहाँ पे एक अर्चना जी होंगी एचआर में है। या कोई और होगा, उनसे जाके पूछो जरा ये मैटर क्या है। मैं वैसे बता देता हूँ, आपकी कंपनी ने आपके एचआर का ठेका हमें दे आया है आजकल। एक सेकेंड रुक यार, तेरी अभी मैं क्लास लगाता हूँ, रुक। अच्छा क्लास लगाओगे हैं? रुक। हाँ ये किसी का फोन आ रहा है, बिल्लू हलवाई, हलवाई कौन सा टेका दे रखा है इनको? हाँ पूछ ले, हमें डर मार रहा है। हलवाई है जो पूछ रहा है सही में? हेलो। हाँ भाई जी बोलिए। क्यों लेट आ रहे हो आजकल? अरे तुम्हें ठेका कहाँ से दे दिया सर? ठेका कहाँ से दे दिया? उपाध्याय जी हैं तुम्हारे दफ्तर में? अरे हाँ सर। मालिक है, दुकान में आए थे, उन्होंने हमारी मैनेजमेंट देखी, कहते हाथ जोड़ के सामने बैठ गए, बिल्लू जी आप ही देखो मेरी कंपनी का, तो मेरा तो बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है इन्होंने, समझाई? ओए फटका मार जल्दी सर, मैं ऐसे हैंडल करता हूँ लड़कों को ऐसे। अरे सर सॉरी सर। अब बताओ लेट क्यों आ रहे हो आजकल? अरे सर गलती होगी सर, रेगुलर हो जाऊंगा। और एकता से कम बात करा करो सर, आप तो सबके नाम जानते हो, क्या बात होगी सर? ये सीसीटीवी कैमरा की फुटेज जो है सीधा हमारे यहाँ पे चल रही होती है सर, सॉरी सर। तो दो चार आपके लिए ना एडवाइस है हमारे पास। जी बिल्कुल सर। पहला टाइम पे आया करो तुसी, ठीक है सर। दूसरा टाइम पे जाया करो, ठीक है सर। तीसरा एकता से कम बात करा करो, ठीक है सर। लंच ब्रेक में गॉसिप पे कम करा करो। अरे सर लंच ब्रेक में तो मैं बात कर सकता हूँ सर। हाँ मतलब ज्यादा मत करा करो ना, बॉस की शिकायतें मत करा करो, सीसीटीवी कैमरा में आवाज भी रिकॉर्ड होती है। सर ये कौन से सीसीटीवी कैमरा आ गए? भाई एक काम कर, या तो तू बहस कर ले या फिर अप्रेजल करा ले। चलो सॉरी सर सॉरी। कभी ऐसे पहले सुना है एक दो साल के लिए किसी हलवाई को ठेके पे दे दिया एचआर डिपार्टमेंट? सर सुना तो नहीं, लेकिन अभी मैं सुन के आ रहा हूँ एचआर के थ्रू, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रही। बेटे हम समझ में नहीं आते, हम दिल में आते हैं। सर ये एफएम वाले बोल रहे हो क्या आप? अब तो हो गया हमारा काम, बताने में क्या दिक्कत है भाई। वसंत जी, वसंत कुंज बोलूं या वसंत विहार बोलूं? भाई सुपर हिट 93.5 रेड एफएम से दिल्ली का कड़क लौंडा बोल रहा हूं, आपका बैंड बजा रहे थे भाई, बहुत बढ़िया बैंड बजाया भाई। भाई आज हम बैंड बजाने जा रहे हैं नमन जी का, जिनकी गर्लफ्रेंड के साथ उनका ब्रेकअप 6-7 महीने पहले हो गया था, लेकिन याद अभी भी बरकरार है। सिर्फ इन्हीं के दिमाग में ही नहीं, इनके दोस्तों के दिमाग में भी। बजाओ इनका बैंड। हेलो, हाँ जी नमस्कार जी, नमन जी बात कर रहे हैं? आप कौन अंकल? हाँ बेटे मैं कैलाशी बोल रहा हूँ। कौन बोल रहे हैं? कैलाशी बात कर रहा हूँ, आपके साथ कुछ समस्या चल रही है, 2-4 दिनों से कुछ ऊपरी हवाओं का सामना कर रहे हो। हाँ जी हाँ जी गुरु जी, एक्चुअली मेरे को क्या कहते हैं, आज तो कुछ छोड़ 4-5 दिनों से मेरे को किसके नंबर से ना कॉल आती है, तो मैं फोन उठा तो कुछ बोलता नहीं है। अच्छा अभी उसकी कोई रिंगटोन सी समझ में आती कुछ है, आवाज है जो आपको सुनाई देती है? हाँ जी आवाजें आती है, मतलब बहुत ड्रामी सी आवाजें, मतलब जैसे हॉरर आवाज होती है। एक काम करो बेटे जी, घर पे हो अभी? बोलो। तो किचन में जाके 10 लौंग ले लो, ज्यादा लौंग मत लेना, मुट्ठी बंद करनी है। अच्छा 10 लौंग लेनी है? हाँ 10 लौंग लो जी। अंकल जी मैं कर तो दूंगा, ये पक्का समस्या मेरी थोड़ी। आप करो तो बेटे, घबराओ मत इतना, नहीं घबराते। हाँ जी जी मैंने ले ली 10 लौंग ले ली हाथ में। अब जो मैं बोलूंगा उसको रिपीट करना। हाँ जी। त्र्यंबके न खम्बके। क्या? त्र्यंबके न खम्बके। त्र्यंबके न खम्बके। न हम्बके न तम्बके। न हम्बके न तम्बके। न जो बके। कौन सा बके? द जो बके। द जो बके। माता पिता का नाम ले लो एक बार। हाँ जी बिल्कुल ले लिया जी। कुछ ऐसी आवाज आती है? हाँ जी हाँ जी बिल्कुल ऐसी आती है। आपको डराओ मत अंकल, बहुत डर लग रहा है, प्लीज बताओ मैं क्या करूँ जल्दी। तेरे पे टोटका कर रखा है, तेरे पे भयंकर वाला। अरे अंकल जी किसने करा है? चेतना कौन है, गर्लफ्रेंड है तेरी? जी 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 मेरी तो पहले थी, मतलब बहुत पहले थी। क्या तूने छोड़ा था उसको? उसने तेरे को छोड़ा था?
उसने छोड़ दिया जी मेरे को। भैया उसने टोटका करा तेरे पे। मेरे को बचा लो जी। हैं? प्लीज मेरे को बचा लो। बचा लेगा मेरे बच्चे एक ही तरीका है। हाँ जी बोलो। उसे भूल जा। अरे जी मैं कैसे भूल जाऊँ बेटे। भूल जा, पुराना जाएगा तभी तो नया आएगा। उसी चक्कर में तेरे पर टोटका कर रही है। भूल जा। अंकल मेरे को बचा लो, तो घबराहट हो रही है बहुत ज्यादा। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट। एक काम कर, हाथ में से लौंग हटा ले। लौंग हटा लिया जी मैंने बिल्कुल। और गारंटी की बात है, तू भूल चुका है उस लड़की को? हाँ जी अब मैं भूल जाऊंगा। पक्का भूल जाएगा? प्रॉमिस है जी। ठीक है। अच्छा वैसे अंकल जी एक बात बताओ, जो बोल रही है पीछे से, क्या चेतना ही है क्या? नहीं चेतना नहीं है। तो वो जानना चाहते हो वो बातें हैं क्या? जी मैं जानना तो चाहता हूँ। एक सेकंड रुक जा। दिक्कत है तो प्लीज मुझे मत बताना। मैं ना ना कोई दिक्कत नहीं है, सुन ले एक सेकंड। सामने आ। क्या रहा उतरे मक्का ना हम मक्का ना खम मक्का ना टम मक्का सीरियो सीरियो। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम से दिल्ली का कड़क लौंडा आशीष बोल रहा हूं। सर आपका मैन विजय। अरे आप अंकल झूठ मत बोलो, आप मेरा क्यों मजाक कर रहे हो? हेलो हेलो भाई, ये सच है? मैं आशीष ही बात कर रहा हूं। अरे यार तुम्हें रात को हमारे प्रोड्यूसर के नंबर से आपको फोन आता था भाई, और आपके दोस्तों ही आपका बैंड बजाया। अरे सर क्या बताऊं यार, मैं बहुत ज्यादा मेरी आपको कुछ नहीं पता कहां कहां से पसीने सब टपक रहे हैं भाई। एक तरफ तो लोग रेड एफएम बजा रहे हैं और मच्छर भगा रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ जुगल जी जैसे लोग भी हैं जो घर घर जाके ये बताते हैं कि कूलर में पानी ना रह जाए, उसे साफ सफाई के साथ रखिएगा, गमलों की भी साफ सफाई रखिएगा, पानी ना भर जाए। अब इतना बढ़िया काम कर रहे हैं तो इनका बैंड बजाना तो बनता है। हेलो नमस्कार, ये जुगल जी बात कर रहे हैं? हाँ जी। अपार्टमेंट में उतर बेटा आप? हाँ बेटे, ये कहते हैं मेरा नाम पुरुषोत्तम है, 61 नंबर पे आया हुआ मैं। हाँ जी हाँ जी। और बेटे ये जो आप अपना जो ये सर्वे करते हो ना चेक कराने का कि भाई मच्छर तो नहीं है, कूलर वूलर साफ है कि नहीं है, अच्छा ही। तो हमारे घर कल मत भेजना, ठीक है? क्यों जी? जी इसलिए जी क्योंकि जी हमने साफ कर दिया है कूलर भी, जो है मैंने पर्सनली, मैंने किसी छोटू वोटू को नहीं बोला, मैंने खुद जो है कूलर में से पानी निकाला, उसको साफ किया, फिर मिट्टी का ढेर डाला है। चलो बहुत अच्छा, ठीक है। तो मैं कहा उस चक्कर में फिर आपको बोल दिया। बाकी आगे के लिए भी मैं कह रहा हूँ कि मैंने एक चीज सोची थी, भाई मच्छर जो है ये रुके हुए पानी में दे देते है ना अड्डा। मैंने क्या कर दिया, मैंने भाई मिट्टी का तेल डाल दिया पूरे में, पानी डालना ही नहीं हमने। मैं मिसेज को कह दिया मेरी को, मैं भाई पानी नहीं डालना इसमें, मिट्टी का तेल डाल दे। तुम मजाक कर रहे हो? नहीं नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा, हमने पूरे कूलर में पानी भरा ही नहीं है, हमने सिर्फ और सिर्फ मिट्टी का तेल भरा, उसी पे चला रहे हम। अरे चलाना नहीं अंकल उसे कूलर को। क्यों जी? अपार्टमेंट पूरा उठ जाएगा वो। ना ऐसे कैसे अपार्टमेंट उठ जाएगा, कमाल की बातें कर रहे हो यार। ऐसे चलाया तो नहीं ना उसे? नहीं चलाया नहीं है, मैं चला के दिखा देता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। नहीं उसे। मेरी बात सुनो, मैंने कल भी 2 मिनट के लिए चला के देखा था, सेट हो गया था मामला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ना चलाना उसे। आजकल के बच्चे एक तो यकीन नहीं मानते ना बातों का, फिर वही वाली बात हो जाती है। ऑन करियो जरा इसको। अरे अंकल क्यों मर रहे हो? हेलो हेलो, ये देखो ये शुरू हो गया, ये देख। हाँ आवाज आ रही है आपको जुगल जी? अरे क्यों कबर में पैर डाल रहा बुड्ढे? कहाँ पे? कबर में। ये देखो अब अपना फर्स्ट क्लास चल रहा है, एकदम झटी आवाज दे रहा है, थोड़ी स्मेल आती है मिट्टी के तेल की, लेकिन सब एकदम सेट है। मैं बताऊँ आपको, इसे बंद करो नहीं तो मरमुरा जाओगे दोनों। हेलो हेलो। हाँ ये देख रहे हो यार, ये आवाज कैसी आ रही है? तारे टकरा दिए आपस में मेरे ख्याल से। अरे वो स्पार्किंग होगी बुड्ढे, दोनों तो उड़ के जाओगे मियां बीवी। हाँ है तो स्पार्किंग ही, यही लग रहा है मेरे को। अरे भगवान, हे भगवान, मेरे तो सर पे चढ़ गया भैया इसका नशा, इसमें क्या मिट्टी। अरे इसे बंद करो। सुमन। हेलो सुमन, हे भगवान। हेलो गया बुड्ढा। हेलो अरे बुढ़ऊ, 61 नंबर वाला है भाई, ब्लास्ट हो गया, उसमें तेल डाल दिया पानी की जगह कूलर में, जा देख क्या। हेलो मर गया। हेलो हेलो जुगल जी, मैं सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम से आरजे आशीष बोल रहा हूँ, दिल्ली का कड़क लौंडा, किसी को कहीं पे मत भेजिएगा, आपका बैंड बजा रहे थे। हेलो বলছি আম যে আমি একটা অর্ডার করতে চাইছিলাম। হ্যাঁ বলুন কি অর্ডার করতে চাইছেন। বলছি আপনারা কি পার্টি অর্ডার নেন? হ্যাঁ নিশ্চয়ই নিতে পারবো। তাহলে একটা কাগজ পেন্সিল নিয়ে নিন। আচ্ছা মানে এটা একটা বড় পার্টি। আচ্ছা তো নাম্বার অফ হেডস একটু কাইন্ডলি বলেন। 250-300 লোকের। হ্যাঁ হয়ে যাবে ম্যাডাম। হয়ে যাবে? হ্যাঁ ভালো করে করে দেবেন তো? হ্যাঁ নিশ্চয়ই, আমাদের রেস্টুরেন্টে খাওয়া খারাপ খাবার পাওয়া যায় না। আচ্ছা থ্যাংক ইউ, তাহলে লিখে নিন। হ্যাঁ একটু কাইন্ডলি অর্ডারটা বলুন। 250 বাটার চিকেন। 250 বাটার চিকেন। 150 পনির বাটার মশলা। 100 ডাল মাখানি। ভালো করে একটু বাটার দিয়ে দেবেন ডাল মাখানি। হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই, ডাল মাখানি। আর 150টা চিকেন বিরিয়ানি। আচ্ছা তাতে ডিম থাকবে কি? না ডিম না। আর 150টা কুলচা, তার মধ্যে 100টা স্টাফড হবে আর মানে 50টা এমনি।
আপনাকে হ্যাঁ বিল তো একটা আমাদের রেজ করতেই হয়, মানে এতগুলো আইটেম। ও বিলটা উপরওয়ালা দিয়ে দেবে, নো প্রবলেম। উপরওয়ালার নামে বিল কি বলছেন নাকি ম্যাডাম আপনি? উপরওয়ালার নামে কখনো বিল হয় নাকি? কেন হয় না, একবার করে দেখুন না। উপরওয়ালার নামে বিল করব মানে আপনি যা তা বলে যাচ্ছেন। হ্যাঁ আরে ওপরওয়ালার নামে একটু বিল। আচ্ছা বাবা আমি এসব বুঝি না আপনি কি বলতে চাইছেন। আপনি বরঞ্চ আমার হাজবেন্ড এর সাথে কথা। হ্যালো হ্যাঁ আপনি কে বলছেন? হ্যাঁ আমি ওনার স্বামী বলছি দাদা, বলুন। আপনার ওই সিজিএসটি আর জিএসটি যেটা হয় না সেটা দেবেন না, ওটা আমাদের লাগবে না। আপনি কখন উপরওয়ালার নামে বিল হয় নাকি? আপনি কি বাজে কথা বলছেন দাদা? বলছি আপনি পাঠিয়ে দেবেন, ঠিক আছে? তাহলে আমরা অপেক্ষায় থাকবো আপনার ফুড অর্ডারের। আহারে তুমি কথা শুনছো না? আহারে বলছি, আহারে রে 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 রে, তুমি কথাই শুনছো না আমাদের? আপনি আমার কথা শুনুন, উপরওয়ালার নামে আপনাদের কি বাড়িতে কারোর নাম নেই যে উপরওয়ালার নামে বিল করবো? বাজে কথা। আহারে অনেক রেগে গেছে ছেলেটা। কি রেগে গেছে ছেলেটা? আপনি এরা ফোন করে না লোকের সময় নষ্ট করছেন এইভাবে। দাদা আপনার ওয়াইফ কে একটু বলুন ঠিক করে বলতে, উপরওয়ালার নামে বিল করবে। দাদা মে আহারে আহারে ব্যাপারটা কি? আহারে শুনিয়ে দাদা, মে প্রবীণ বল রহা হুঁ রেড এফএম 93.5 সে। মেরে সাথ ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত জি হ্যাঁ, উনকি মুভি রিলিজ হো রি হ্যায় 22 ফরবরি কো আহারে। আরে ইয়ার ইয়ে মানে ক্যা বোল দিয়া। তো আপসে জো পেহলে অর্ডার আপকো লিখওয়া রহি থি ও ঋতুপর্ণা জি থি। আরে সত্যি ঋতুপর্ণা? আরে এখন আপনি রেগে আছেন? আহারে ঠিক আছে, নো প্রবলেম। আপনিও বলুন আহারে। ওটা শহর জুড়ে সবাই বলবে আহারে। 22 ফেব্রুয়ারি রিলিজ করছে দাদা, দেখতে যাবেন কিন্তু নিশ্চয়ই? নিশ্চয় অবশ্যই যাবো। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞেস করবো। কি বলছি যে এই যে অর্ডারটা দেওয়া হয়েছে এটা কি অরিজিনাল? আরে নাই দাদা মজাক করে দা, আপনি সিরিয়াস হয়ে গেছেন। মজাক দাদা মজাক। আচ্ছা আহারে